साउथ डिस्ट्रिक्ट के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन स्टाफ ने एक कार रैकिंग के केस को वर्कआउट किया है, 6 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है जिससे काफ़ी मात्रा में रिकवरी हुई है और करीबन 13 केस वर्कआउट हुए हैं। 1 दिसंबर की रात को यह वारदात हुई थी जिसमें 3 लड़कों ने एक ऊबर कार, ऑल्टो कार है जो ऊबर से एसोसिएट थी, उसको रुकवाया, नाइफ पॉइंट पे उसको ड्राइवर को उन्होंने काबू किया और बाद में उसे 12 प्लब फ्लाई ओवर के पास छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। साथ ही इसका मोबाइल और उसका कुछ कैश भी इन्होंने लूट लिया था। कॉल मिलने के बाद जब टीम पहुंची और तो ड्राइवर जो था वो नया था, उसको अपने मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसका घर वगैरह वो ज़्यादा नहीं जानता था। हमारी टीम उसको लेके उस एरिया में गई जहाँ उसका मालिक रहता था। बहुत ढूंढने के बाद गाड़ी का ऑनर मिला क्योंकि उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, उसको डिटेल, उसका मोबाइल नंबर भी याद नहीं था। बड़ी मशक्कत के बाद जब उसका मालिक मिला तो उसने बताया कि वो ऊबर से कनेक्ट है और उस गाड़ी में GPS है, लेकिन चूँकि उसने फीस जमा नहीं कराई है इसलिए GPS चल नहीं रहा है। तो GPS को जो है फीस भरवा कर एक्टिवेट किया गया और बाद में पता चला कि गाड़ी का मूवमेंट बुलंदशहर की तरफ हुआ है। वहाँ हमारी टीम जाती है, GPS की मदद से उसे ट्रैक किया हमने। GPS होने से काफ़ी हेल्प मिलती है। गाड़ी हमने एक जगह पर आइडेंटिफाई की, उस जगह को जीरो डाउन करते करते उसके बाद हमारी टीम ने 4 दिन तक वहाँ ट्रैप लगा के रखा। करीबन राउंड द क्लॉक 4 स्टाफ, 4 पर्सन्स फ्रॉम पुलिस पर्सनल वहाँ रहे और चौथे दिन की शाम को 2 लोग वहाँ आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। उसी टीम में हमारी जो टीम है उनको रोकने की कोशिश करती है, वो भागते हैं, चेंज करके उनको पकड़ लिया जाता है और उनको फिर दिल्ली लेके आते हैं। इस तरीके से इस गैंग को पकड़ा। बाद में पूछताछ में 4 और लोगों को हमने जो है अरेस्ट किया है। ये टोटल 6 लोग थे, इनमें एक जो है वो वहीं का रहने वाला जहाँ ये गाड़ी मिली है, गुलावट्टी बुलंदशहर में। बाकी जो है कोटला मुबारकपुर के रहने वाले लड़के हैं, सारे 19-20 साल के हैं। उनमें से जो एक संदीप है उसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट बर्गलरी का और वो कोचिंग वगैरह कराता है टेनिस की। बाकी जो लड़के हैं मतलब 19-20 साल के, कुछ खास काम नहीं करते हैं या किराए पे घर लेके रहते हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं। इनसे अभी तक हम एक ऑल्टो कार जो कि छीनी हुई थी, एक पल्सर बाइक, एक रिवॉल्वर, एक चाकू और 2 एक मोबाइल और एक पर्स अभी तक रिकवर कर चुके हैं हमारे केस में। बाकी केसेस में इनसे एक मारुति स्टीम कार, एक होंडा कार, एक होंडा एक्टिवा, एक हीरो डिलक्स बाइक और 4 मोबाइल हमने रिकवर किए।